इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम में अगर हमें कॉल आती है, चाहे ऑडियो कॉल हो चाहे वीडियो कॉल हो, तो हमारे यहाँ पर शो होती है हमारी होम स्क्रीन पर। ठीक है, लॉक लगा हो तो लॉक स्क्रीन पर भी शो करती है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कभी कभी ये जो है हमें शो नहीं करती, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें मोबाइल की सेटिंग्स भी काम करती हैं और आपके इंस्टाग्राम की सेटिंग्स भी काम करती है, क्योंकि प्राइवेसी की वजह से अगर हमारी सेटिंग्स भी ठीक होती हैं तो हमारी शो नहीं कर पाती। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप 100% मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा, आपकी जो है कॉलिंग आने लग जाएगी फिर। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इंस्टाग्राम पर फर्स्ट स्टेप होता है किसी को मैसेज करना। अब जैसे इस बंदे को हम मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, मैसेज करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं, सेंड करते हैं, वो भी हमें मैसेज भेजता है, उसका रिप्लाई करता है। ठीक है, तो ये एक एज अ फ्रेंडशिप होती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, वो भी हमारे मैसेज रिसीव करता है, वो भी कॉलिंग दोनों तरफ से होती है। तो आपके जो है इंस्टाग्राम में कोई भी खामियां नहीं रहती है, आपकी सेटिंग्स में खामियां रहती हैं। फिर आपको क्या करना है कि इंस्टाग्राम में यहाँ पर आपको होल्ड प्रेस करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये इंस्टाग्राम, इस पर होल्ड प्रेस करना है और ऐप इन्फो पर जाना है। ठीक है, इसकी नोटिफिकेशंस में जाना है। सबसे पहले ये जो शोइंग नोटिफिकेशन है ये अलाउ होनी चाहिए, उसके बाद फ्लो यहाँ पर अलाउ फ्लोटिंग नोटिफिकेशन जो ऊपर शो करती है वो स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, और शो नोटिफिकेशंस और यहाँ पर वीडियो चैट नोटिफिकेशन और रिक्वेस्ट, ये बाकी आप ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, शो नोटिफिकेशंस में यहाँ पर ये सब चीज़ ऑन रहनी चाहिए, आपकी कोई भी बंद नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है। और बाकी यहाँ पर अदर परमिशंस पे जाने के बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन, शो लॉक स्क्रीन, इसको अलाउ करना है। लॉक स्क्रीन पर फ्लोटिंग विंडोज़ वाली को अलाउ करना है और परमानेंट नोटिफिकेशन वाली को राइट करना है। ठीक है, इतना करना है बस आपकी, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।